तो सेकेंड वन इज का स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस और इसको भी एस पी एस एस के अंदर विद इन वन क्लिक हम कर सकते हैं और मेनली इसके अंदर भी डेटा डालना जो है वो बड़ी टेक्निकल बात है और वो बड़ी केयरफुली डालना चाहिए क्योंकि एस पी एस एस को आप जो भी कहेंगे वो कैलकुलेट कर देगा लेकिन यू शुड नो कि आपने डेटा सही डाला है और कंप्यूटर को बताया है कि ये फ्रीकुन्सीज हैं और ये स्कोर्स नहीं हैं तो लेट्स गो टू एस पी एस एस एंड देन वी विल एंटर द डेटा और इसमें भी मैंने ऑलरेडी आपके लिए इसके अंदर डेटा डाला हुआ है Uh, इसके अंदर देखे हमारे पास वही एग्जाम्पल हम लेंगे टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस की जो हमने पर्सनैलिटी और कलर प्रेफरेंस के लिए की है पहले मैनुअली अब uh, इसके अंदर हमारे पास तीन वेरिएबल्स हो जाएंगे एक पर्सनैलिटी का है और एक कलर मेन तो हमारे पास टू ही वेरिएबल्स हैं कलर एंड पर्सनैलिटी लेकिन उन दोनों के लिए हमारी फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं सो आपने डेटा जब एंटर करना है तो इसके अंदर पर्सनैलिटी और कलर पर्सनैलिटी के दो लेवल्स हैं वन इज़ फॉर इंट्रोवर्ट टू इज़ फॉर एक्स्ट्रोवर्ड और कलर के अंदर हमारे पास चार प्रेफरेंसेस हैं वन टू थ्री फोर सो रेड येलो थ्री इज़ ग्रीन एंड फोर इज़ ब्लू फॉर इंट्रोवर्ट एंड अगेन वन टू थ्री फोर एक्सट्रोवर्ड ये वेरिएबल व्यू में जाके हम यहाँ पे वैल्यू लेवल देते हैं और कंप्यूटर को बताते हैं कि वन का मतलब इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट है और यहाँ पे भी हम बताते हैं कि वन का मतलब रेड है टू का मतलब येलो है थ्री का मतलब ग्रीन है फोर का मतलब ब्लू है और यहाँ पे हम मेयर्स में जाके उसको नॉमिनल कर देते हैं स्केल को ताकि उसको पता चले कि हमारा कैटेगोरिकल डेटा है सो वी आर ऑल सेट विद एंटरिंग द डेटा नाउ अगेन जैसा कि हमने गुडनेस ऑफ फिट के अंदर किया है कि वी हैव टू टेल एस पी एस एस कि दीज आर लाइक टेन थ्री फिफ्टीन ट्वेंटी टू आर द फ्रीक्वेंसीज दे आर ऑलरेडी समड अप नंबर ऑफ पीपल एंड नॉट द स्कोर्स तो इसमें भी फिर हम डेटा पे जाएंगे वे केसेस में जाएंगे और इन फ्रीक्वेंसीज को से कहेंगे कि वेट केसेस बाय फ्रीक्वेंसीज यानी हमने जो फ्रीक्वेंसी के कॉलम में जो भी चीज़ डाली हुई है दैट इज़ ऑलरेडी वेटेड फ्रीक्वेंसीज यानी समड अप फ्रीक्वेंसीज ओके बटन क्लिक करेंगे नाउ टू कैलकुलेट काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस जहाँ पे हमारे पास डेटा मेट्रिक्स में होता है दो वेरिएबल्स का रोज और कॉलम्स में आप इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव में जाएंगे और फिर क्रॉस टैब में जाएंगे अब आप वहाँ नहीं जाएंगे जैसे आप नीचे नॉन पैरामेट्रिक में गए थे अब क्रॉस टैब के अंदर हमने अपना हमें पता है पर्सनालिटी का वेरिएबल जो था हमारा रोज़ में था और कॉलम हमारा कलर था सो so ये दोनों वेरिएबल्स जब हमने एंटर कर दिए अब हम इसको बताएंगे एक्सट्रैक्ट uh, के लिए डिफॉल्ट ऑप्शन इसको रहने दें स्टेटिस्टिक्स uh, में फाइ uh, और क्रेमर्स वी वैल्यू बेहतर होती है वैसे तो ये हमें कोरेशन uh, बताती है लेकिन चूँकि काय स्क्वायर के अंदर ये इफेक्ट साइज कैलकुलेट नहीं करता जैसा हमने पैरामीट्रिक के अंदर इनोवा में भी और टी में भी हम इफेक्ट साइज़ कैलकुलेट करते हैं कि स्ट्रेंथ और मैग्नीट्यूड रिलेशनशिप का कितना है और क्रेमर की मदद से हम एक रफली आइडिया कर सकते हैं कि स्ट्रेंथ और मैग्नीट्यूड इसका कितना है सो so, बाकी चीज़ें मेरे ख्याल से रहने दें का स्क्वायर हम कैलकुलेट करेंगे और सेल्स आई थिंक दिस इज़ फाइन ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड आप कर सकते हैं लेकिन वो बाई डिफ़ॉल्ट आपको कैलकुलेट करके देगा सो जस्ट लीव ऑल दीज Um, options as they are and we will hit OK button. Now you can see कि हमारे पास case summary आ गई है और हमारे पास कोई missing value नहीं है और हमारे पास valid and 200 हंड्रेड का है और ये हमारा बिल्कुल वही टेबल बन गया जो हमने आपको शुरू में प्रजेंटेशन में दिखाया था जहाँ हमने मैनुअली सॉल्व किया था कि 50 पीपल आर इंट्रोवर्ड 150 फिफ्टी आर एक्स्ट्रोवर्ड और उसने सबके लिए फ्रीकुनसीज़ uh, आप कॉलम में दे दी हैं और ये उसका टोटल भी दे दिया है और अब हम इसके अंदर का uh, स्क्वायर की वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं तो दिस इज एग्जैक्टली थर्टी फाइव पॉइंट सिक्स दिस इज़ द पियर्सन का स्क्वायर वैल्यू विच यू विल बी रिपोर्टिंग दैट्स द मेन वैल्यू और फिर हमारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है जो कि सी माइनस वन और आर माइनस वन मल्टीप्लाई करते हैं तो थ्री आती है और हमारी सिग्निफिकेंट uh, वैल्यू है पी की यानी पॉइंट जीरो जीरो क्योंकि थर्टी फाइव पॉइंट सिक्स इज़ हाईली सिग्निफिकेंट वैल्यू विच मीन्स के नल हाई इज़ रिजेक्टेड और ये जो हमारे पास दिया होता है जीरो सेल्स हैव एक्सपेक्टेड दिस टेल्स अस द एजाम्पन मैंने आपको बताया था कि हमारी काय स्क्र की एज एक एजाम्पन ये है कि उसमें किसी भी सेल में या खाने में एक्सपेक्टेड uh, वैल्यू जो है एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज लेस देन फाइव ना हो तो uh, आप देख सकते हैं हालांकि ऑब्जर्वड में हमारे पास यहाँ पे थ्री वैल्यू है लेकिन हमने चेक क्या करना होता है कि एक्सपेक्टेड जो काउंट है वो किसी भी सेल में लेस देन फाइव ना हो और वो हमारे पास उसने कैलकुलेट कर दी है और ये हमारे पास उसने फाई और क्रेमर की वैल्यू दे दी है पॉइंट फोर टू पॉइंट फोर टू है आ, इसके अंदर अगर हमने इफेक्ट साइज निकालना है तो हम मेनली फाई की वैल्यू को एन पे डिवाइड करके हम रफ एस्टिमेशन कर सकते हैं अभी मैं आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ आपके स्लाइड्स के अंदर मैंने पूरा ट्यूटोरियल दिया हुआ है जो भी हमने किया है इसको वन बाय वन मैंने आपकी आ, पावर पॉइंट के अंदर मैंशन किया हुआ है सो दिस इज़ हमने पहला स्टेप वेरिएबल्स एड किए बिल्कुल पर्सनैलिटी और कलर का उसके बाद हमने uh, उसमें वैल्यूज़ दी इंट्रोवर्ड एक्स्ट्रो वर्ड का वैल्यू लेबल में जाके के uh, उसके बाद हमने फ्रिकुनस uh, जब ऐड कर दी तो हमने उसके uh, सारे वेरिएबल सेट कर दिए उसको जैसा हमने पीछे किया है उसके बाद हमने वेट केसेस किया यानी हमने एस को बताया कि ये वैल्यूज़ हमारी ऑलरेडी समड अप हैं और ये फ्रीक्वेंसीज हैं दिस इज हा वी वेटेड दम एंड देन वी रन द का स्क्वेयर जहाँ पे हम डिस्क्रिप्टिव में गए क्रॉस टैब में गए सो गो टू एनालाइज डिस्क्रिप्टिव एंड क्रॉस टैब सेंड द वन वेरिएबल टू रोज एंड वन टू कॉलम एंड देन वी जस्ट चेक फाइव और क्रेमर्स एंड देन काय स्क्र वैल्यू एंड वी हिट ओके बटन और ये हमारे पास आउटपुट आ गया जिसके अंदर कायस की वैल्यू कैल्कुलेटेड थर्टी फाइव पॉइंट जीरो सिग्निफिकेंट एलिफा पॉइंट जीरो फाइव और हमने चेक कर लिया कि हमने कोई जम्शन वॉयलेट नहीं की बिकॉज नो एक्सपेक्टेड फ्रीकुन्सी इन एनी सेल इज़ लेस दैन फाइव सो द मेन वैल्यू दैट वी आर इंटरेस्टेड इज इन द पीसन का स्क्र मेनली थर्टी फाइव पॉइंट जो हमारी सिक्स वैल्यू आई है दैट इज़ द मेन वैल्यू जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं और वही हम रिपोर्ट करते हैं दिस इज़ हाउ वी रिपोर्ट एज पर ए पी ए रिजल्ट फ्राम द का स्क्र सो द का स्क्र वैल्यू इज का स्क्वेयर का सिंबल है थ्री डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है इस थर्टी फाइव पॉइंट विद एन एसोसिएटेड सिग्निफिकेंसल लेस देन पॉइंट जीरो वन प्रेजेंटेड इन द कॉलम लेवल एज सिमटोटिक सिग्निफिकेंस टू टेडिड टेस्ट दिस इंडिकेट्स दैट आर रिजल्ट इज सिग्निफिकेंट एंड देयर अपीयर्स टू बी एन एसोसिएशन बिटवीन पर्सनैलिटी टाइप एंड कलर प्रेफरेंस ये हमारी बेसिकली जो मैंने आपको बताया है कि कॉमनली uh, हमारे पास इफेक्ट साइज नहीं आता लेकिन यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि कोरेशन कोफिशेंट एंड कैन रेंज फ्रॉम जीरो टू वन फाय और क्रैमर दोनों की वैल्यू जो है वो जीरो uh, से वन के दरमियान रेंज करती है हायर वैल्यू का मतलब है कि स्ट्रॉगर एसोसिएशन है बिटवीन द टू वेरिएबल्स और फॉर द टेबल्स लार्जर देन टू बाई टू द वैल्यू ऑफ रिपोर्ट इज क्रेमर्स वैल्यू और अगर हमारे पास टेबल हमारा फोर इंटू टू था सो इन दिस एग्जाम्पल द क्रेमर्स वैल्यू शोन इन द मेयर मेयर्स पॉइंट फोर टू इंडिकेटिंग अ लार्जर इफेक्ट साइज सो टेबल अगर हमारे पास टू इंटू टू का हो तो हम उसको फाइव को की वैल्यू रिपोर्ट करेंगे लेकिन अगर टू इंटू टू से बड़ा है लार्जर है ग्रेटर है तो हम क्रेमर की वैल्यू तो चूंकि हमारा ये बड़ा है तो हम क्रेमर की वैल्यू देंगे और वो हमारे पास पॉइंट फोर टू टू है विच इज़ अ लार्जर इफेक्ट साइज जैसा आप देख सकते हैं पॉइंट फोर टू टू इज़ अ ग्रेटर कोरलेशन सो स्क्वायर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस इंडिकेटेड सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन पर्सनैलिटी टाइप एंड कलर प्रेफरेंस और उसी तरह का वैल्यू उसके बाद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एन इज टू हंड्रेड रिपोर्टेड वैल्यू पी इज लेस दैन पॉइंट जीरो जीरो वन एंड क्रेमर्स वी इज़ पॉइंट फोर टू टू तो दिस इज़ हाउ यू विल बी रिपोर्टिंग Uh, chi-square value uh, as per apa format so you see it's a uh, simple and easy uh, like in you are a scientist and you are a researcher apne parametric choose non-parametric choose karne? you should know how to tell computer what these numbers are is this nominal data is this ordinal data is this a frequency data and then spss will work for you and do all the uh, calculations for you within no time and calculate it.